नमस्ते साथियों, मैं विकेश कुमार आप सबों के लिए बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए जो है तीसरे प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। देखते हैं विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के पोल और फोकस के बीच रखा जाए तो प्रति छाया का आकार क्या होगा। तो प्रति छाया का आकार के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये बहुत ही बड़ा हो जाएगा। और बात करें प्रतिबिंबों की, यह पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे आवर्धित आभासी और सीधी होगी और वस्तु से बड़ा होगा। अगले प्रश्नों को देखें। गुरु नानक देव का जन्म जो है 1469 में तलवंडी में हुआ था, जिन्हें कि ननकाना साहब कहते हैं, और 1539 में इनकी मृत्यु हुई थी, कहाँ पर, करतारपुर में हुई थी। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी की बात करें तो महिंद्रा ग्रुप है, और देखें यूनिलीवर नहीं है, बाकी इंफोसिस है और आदित्य बिरला ग्रुप हैं। अगले प्रश्नों को देखें। राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। खाद अधिनियम तो ये 2013 ईस्वी में लागू किया गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य में हम्पी नृत्य महोत्सव मनाया जाता है। हम्पी बात करें तो ये कर्नाटक में है, तो कर्नाटक इस प्रकार से भी आंसर होता है, लेकिन ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। इनकी राजधानी हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे हुआ करती थी और यहाँ पर एक उत्सव मनाया जाता था। अगले प्रश्नों को देखें। भारत के किस राज्य में प्रत्येक घर में छत पर वर्षा जल संरक्षण संरचना बनाना अनिवार्य कर दिया, यानी कि छतों के प्रत्येक घरों के छत पर जो है वर्षा जल का जो है संरक्षण संरचना बनाना अनिवार्य कर दिया है। ये तमिलनाडु ऐसा राज्य है। माता पिता के क्रोमोजोम का कौन सा संयोजन बालिका शिशु के लिए जिम्मेदार है। बालिका होने के लिए जिम्मेदार अगर देखेंगे, सबसे पहले जानते हैं माता में जो है एक्स एक्स गुणसूत्र पाया जाता है और पिता में जो है एक्स वाई क्रोमोजोम पाया जाता है, महिला में एक्स एक्स और पुरुष में एक्स वाई। अगर एक्स एक्स से संयोग करेगा तो लड़की होगा यानी बालिका होगा, तो एक्स एक्स। अगर एक्स माता का तो एक्स एक्स ही है, अगर पुरुष का जो है वाई से संयोग करेगा तो ये पुत्र हो जाएगा यानी कि बालक हो जाएगा, तो आंसर डी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर है बालिका, तो आंसर एक्स एक्स यानी कि बी विकल्प सत्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी को काकोरी षड्यंत्र केस में फांसी की सज़ा दी गई थी। 9 अगस्त 1925 को काकोरी षड्यंत्र हुआ था, और ये बात करें तो जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां को फांसी की सज़ा दे दी गई थी। निम्नलिखित में से कौन खाद्य पदार्थों के विकृत गंधिता अर्थात बासीपन का कारण। तो ऑक्सीजन के माध्यम से गैस के द्वारा जो है ये बासीपन का कारण होता है। अगले प्रश्नों को देखें। पुस्तक है द रूम ऑन द रूफ, तो द रूम ऑन द रूफ ये उपन्यास है, इनके लेखक रस्किन बॉन्ड हो जाएगा। ओजोन परत के क्षय के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है। CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा जो है ओजोन अपक्षय होता है। अगले प्रश्नों को देखें। अरुंधति राय को कौन सा उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, यानी कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। तो ये भारतीय लेखिका है, तो इसलिए इसे मान बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। अमीबा निम्नलिखित में से किस जगत यानी कि किंगडम से संबंधित है। तो अमीबा जो है ये प्रोटिस्टा से संबंधित है, प्रोटिस्टा जगत से। हरियाणा हरिकेन के नाम से कपिल देव को जाना जाता है, मुल्तान का सुल्तान वीरेंद्र सहवाग को जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन की प्राचीन सभ्यता से संबंधित है। तो हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन की प्राचीन सभ्यता से मेसोपोटामिया जो है संबंधित है। प्राचीन भारत में गांधार कला किस साम्राज्य के समय विकसित हुई थी। तो गांधार कला एवं मथुरा कला ये कुषाण वंश के जो है कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया गया। तो ब्राह्मी लिपि आप जो है इस प्रकार से देख सकते हैं, हालांकि इनके
शिलालेखों में अभिलेखों में बात करें तो ब्राह्मी खरोष्टी ग्रीक अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया था। वर्ष 1946 में संविधान बनाने के क्रम में संविधान सभा का सलाहकार बी एन राव को नियुक्त किया गया था और ड्राफ्टिंग कमीशन प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। पुस्तक है द रोम ऑन द रूफ, तो इनके लेखक हो जाएंगे रस्किन बॉन्ड, जो कि विकल्प में तो है ही नहीं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्य के बारे में बताता है? मूल कर्तव्य भाग 4 के क है और अनुच्छेद 51 के क हो जाएगा। क जो है लगाया हुआ नहीं, हालांकि डी विकल्प होगा। और बात करें राज्य के नीति निदेशक, तो यह है 36 से 51 भाग 4। मंगल ग्रह के वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाया जाता है और ये जो है लाल ग्रह भी कहा जाता है मंगल को। इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय, तो यह है कोलकाता में। आरबीआई का जो है मुंबई में है मुख्यालय। स्वामी विवेकानंद के गुरु, तो ये थे रामकृष्ण परमहंस। अगले प्रश्न को देखें। भारत के राष्ट्रीय गान का हिंदी प्रारूप कब अंगीकार किया गया? राष्ट्रीय गान जो है कोलकाता अधिवेशन 1911 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था पहली बार। और राष्ट्रीय गीत की बात करेंगे तो उसे जो है 1896 के कोलकाता अधिवेशन में ही जो है गाया गया था पहली बार। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और राष्ट्रीय गान जनगणमन को 24 जनवरी 1950 को जो है स्वीकार किया गया, अंगीकार किया गया। गुरु घासीदास राष्ट्रीय पार्क ये जो है छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित हैं। अरावली पहाड़ी का सबसे ऊंचा क्षेत्र जिसकी ऊंचाई 652 मीटर है उसे क्या कहा जाता है? उसे धसी पहाड़ियाँ कहा जाता है। और आपको पता है कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। निम्नलिखित में से कौन से देश भूमध्य सागर तट को स्पर्श नहीं करता है? ग्रीस है, तुर्की है, स्पेन है, लेकिन जर्मनी यानी यूरोपीय देश जर्मनी जो है भूमध्य सागर तट को स्पर्श नहीं करते हैं। रंजीत सागर बांध और थीन बांध ये जो है रावी नदी पर है पंजाब में। बंगाल की खाड़ी में जल की निम्न लवणता के कारण क्या होते हैं? तो बंगाल की खाड़ी में जो है जल के निम्न लवणता के कारण देखेंगे तो नदी के जल का अंतरअस्त्रवण हो जाएगा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कैग की नियुक्ति की जाती है किनके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और सार्वजनिक धन का संरक्षक नियंत्रक महालेखा परीक्षक ही होते हैं। 148 से 151 अनुच्छेद में इनका उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से किस आयोग या योजना ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उपमहाद्वीप के त्रिस्तरीय संघ की संस्तुति किया था? तो यह जो है कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा किया गया था, जो कि मार्च 1946 में भारत आया था। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, इनका उल्लेख अनुच्छेद 76 में जो है किया गया है। और भारत का जो है यानी कि केंद्र सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी महान्यायवादी होते हैं। लोकसभा का 17वां अध्यक्ष जो है स्पीकर, तो यह है ओम बिरला। एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका उल्लेख यानी कि इसका अंतिम निर्णय किसके पास है? तो लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर के पास है कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, और यह केवल व केवल लोकसभा में ही पारित किया जाता है। लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए न्यूनतम उम्र जो है 25 वर्ष, लोकसभा हो विधानसभा 25 वर्ष, राज्यसभा विधान परिषद 30 वर्ष, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष और ग्राम पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम जो है ये हैदराबाद में स्थित है। आगा खां गोल्ड कप जो है किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल खेल से संबंधित है। मधुशाला किनकी कृति है? हरिवंश राय बच्चन की कृति है। मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु हो जाएगा। साकेत मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर, तो ये हो जाएगा एडविन लोटियंस। अगले प्रश्नों को देखें। किस समाज सुधारक और राजनेता को प्यार से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कहते हैं? बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है, महामना मदन मोहन मालवीय को कहा जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किस संस्थान को प्रथम आईआईटी, भारत का प्रथम प्रौद्योगिकी संस्थान, तो यह हो जाएगा आईआईटी खड़गपुर।
कुशीनगर बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यह कहाँ स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश के जो है रामभर स्तूप के पास स्थित है, और यहीं पर जो है गौतम बुद्ध को महान परिनिर्वाण हुई थी 483 ईस्वी पूर्व में। अगले प्रश्नों को देखें। संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं जो है देखेंगे तो अंग्रेजी, फ्रेंच, अंग्रेजी है, फ्रेंच है, चीनी है, रशियन है, अरबी है और स्पेनिश है। किसने 1962 में इंदु प्रकाश का प्रकाशन जस्टिन रनाडे के द्वारा किया गया था? विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान, तो यह सहारा जो कि उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नोबेल शांति पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार जो है 10 दिसंबर को दिया जाता है, जो कि मानव अधिकार दिवस उसी दिन मनाया जाता है। तो यह शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में और बाकी सब जो है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है, केवल शांति का जो है ओस्लो में। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, यह पुस्तक लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है? द हेग स्विट्जरलैंड में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है द हेग में स्थित है। भारत के पड़ोसी देश म्यांमार का सबसे बड़ा शहर यह हो जाएगा यांगून, जिसे रंगून कहा जाता है, और म्यांमार के ये पूर्व में राजधानियां हुआ करती थी। माले किसकी राजधानी है? तो मालदीव की राजधानी है, मॉरिशस के पोर्ट लुइस और केन्या की नैरोबी। केरोसिन लैंप में चिमनी के नीचे छिद्र होते हैं, यानी कि केरोसिन में जो है ये जो है लैंप रहते हैं और उसके ऊपर छिद्र रहता है यहाँ पर, तो वो जो है धुआं को निकलने के लिए ये बनाया जाता है। पेनिसिलिन किससे निकाला जाता है? तो पेनिसिलिन जो है फफूंद अर्थात फंगी कवक से बनाया जाता है, पेनिसिलियम नामक कवक के द्वारा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा इनकी खोज की गई थी। एक रोगी में प्रतिजैविक का क्या प्रभाव होता है? तो प्रतिजैविक का प्रभाव होता है कि वह जीवाणुओं की वृद्धि को रोक देता है। रक्त के स्कंदन में विटामिन के और रक्त का भाग देखेंगे तो प्लेटलेट्स होते हैं, और बात करें तो एरिथ्रोसाइट जो है आरबीसी को कहा जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में पानी और कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? तो यह है बोरॉन। प्रकृति में खुले रहने पर निम्नलिखित में से कौन सी लकड़ी सबसे अधिक जल्दी ख़राब हो जाएगी? तो रसदार लकड़ी जो है सबसे अधिक जल्दी ख़राब हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक अर्थात एंटीबायोटिक है? तो यह हो जाएगा विस्तृत एंटीबायोटिक, तो यह हो जाएगा एम्पीसिलिन, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। हमारे दांत और अस्थियों आमतौर पर किससे बनते हैं? तो ट्राई कैल्शियम फास्फेट के जो है फास्फेट के बनते हैं। एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला, तो यह होमोसिस्मल लाइन अर्थात सह भूकंप रेखाएं कहलाती है। निम्नलिखित में से किसका मिलान जो है गलत है? कर्क रेखा 23.5 डिग्री N यानी कि उत्तरी अक्षांश, यह सही है। मकर रेखा 66.5 नहीं, मकर रेखा भी होगा 23.5 डिग्री जो है साउथ अक्षांश, 23.5 डिग्री S होगा दक्षिणी अक्षांश, इसलिए यह गलत है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा हो जाएगा 180 डिग्री देशांतर, इसलिए यह भी गलत है। और दक्षिण ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री S यानी कि साउथ अक्षांश, ये सत्य है। 2 और 3 जो है आपका गलत है, तो राइट आंसर हो जाएगा B। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में से किस नगर को अधिकतम अंतरिक्ष विकिरण प्राप्त होता है? यानी कि विषुवत रेखा के सबसे नज़दीक जो है आपका हो जाएगा चेन्नई शहर। अगले प्रश्नों को देखें। MS वर्ड में बहुविध शब्दों, लाइनों या पैराग्राफों का चयन कौन सी कुंजी प्रयोग करके किया जाता है? तो यह कंट्रोल कुंजी का प्रयोग करके किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यशील पूंजी के रूप में माना जाता है? तो रुपये जो है पूंजीपति को कार्यशील पूंजी कहा जाता है, यानी कि कहा जाता है बेरोजगारी, यानी कि कौन सी बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता है? तो कुछ महीनों के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता है, इन्हें मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। भारत में शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति आवश्यक स्वीकृत औसत कैलोरी शहरी क्षेत्र के लिए जो है 2100
और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2400। रबी फसलें, तो रबी फसलें शीत ऋतु में बोई जाती है, जैसे कि इसमें गेहूं हो गया, मटर हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया। प्रधानमंत्री के अतिरिक्त केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य मंत्री यानी प्रधानमंत्री के सलाह पर जो है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं कौन, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 75 के एक में जो है इस बात का उल्लेख है। ताप वृद्धि से जल के आयनिक गुणनफल का मान भी बढ़ जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। रक्त शर्करा कहते हैं, तो ग्लूकोज को जो है रक्त शर्करा कहते हैं, रक्त वाले शर्करा। स्त्री में निषेचन की प्रक्रिया फैलोपियन ट्यूब अर्थात अंडवाहिनी में होता है। एक तत्व के परमाणु जो कि द्रव्यमान में भिन्न हैं परंतु समान प्रकार के रासायनिक गुण रखते हैं, तो समान प्रकार के रासायनिक गुण और द्रव्यमान भिन्न, तो हो जाएगा समस्थानिक। समान प्रकार के परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान भिन्न रहेगा तो भी समस्थानिक हो जाएगा, और समान द्रव्यमान रहेगा तो संभारिक हो जाएगा, आइसोबार्स। अगले प्रश्न को देखें। बंगाल तथा बिहार में अस्थाई बंदोबस्त 1793 ईस्वी में जो है लागू किया गया था कॉर्नवालिस के द्वारा। किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण किया था, तो यह था अशोक के द्वारा निर्माण किया गया था। पटना संग्रहालय की स्थापना 1917 ईस्वी में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना फणीश्वरनाथ रेणु की नहीं है, देखें तो कितने चौराहे हैं, जुलूस हैं, मैला आंचल है, लेकिन विदेशिया जो है भिखारी ठाकुर के द्वारा लिखा गया है, तो इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा जो कि गलत है, भिखारी ठाकुर विदेशिया। बिहार में शेरशाह का राजनीतिक वर्चस्व किस युद्ध में उसकी विजय के साथ स्थापित हुआ था, तो सूरजगढ़ का युद्ध सर्वप्रथम उसने जीता था 1534 ईस्वी में, यहीं से जो उसका वर्चस्व विजय के साथ स्थापित हो गया था, और इसके साथ ही उसने चौसा के युद्ध 1539 में हुमायूं को पराजित किया। कन्नौज या बिलक्रम के युद्ध 1540 में उसने फिर हुमायूं को पराजित करके दिल्ली पर अपनी सत्ता स्थापित किया। वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना किस कारण से होता है, तो यह आबादी के बढ़ने के कारण से ऐसा होता है। सूडान में जनसंख्या व जनसंख्या वृद्धि दर के कम होने का मुख्य कारण, तो हो जाएगा उत्प्रवास यानी कि औद्योगिक ओर की जो है वहाँ के जनताओं का प्रवास हो जाता है, तो वही उत्प्रवास हो गया। मयूरभंज तथा केंदुझर ये लौह अयस्क खदान है, भारत के उड़ीसा राज्य में है। आगामी जनजाति वे जनजाति हैं, तो आगामी जनजाति जो है ये नागालैंड राज्य में रहते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। भारत के पशु कल्याण बोर्ड का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है, भारत के पशु कल्याण बोर्ड का जो है मुख्य कार्यालय, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई में, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। शुष्क हवा यानी कि सांटा आना कहाँ बहती है, तो ये जो है कैलिफोर्निया में बहती है शुष्क हवा। पाणिनि कौन थे, तो पाणिनि जो है एक व्याकरणविद थे जिन्होंने कि अष्टाध्यायी नामक जो है पुस्तक लिखा था। और बात करें बुद्ध के शिष्य, तो ये जो हैं बुद्ध के शिष्य आनंद थे, और महावीर के प्रथम शिष्य उनके दामाद जामिल या जमाली थे। अगले प्रश्न को देखें। प्रकाश विद्युत सेल किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह प्रकाश विद्युत प्रभाव पर जो है कार्य करता है। समूह 15 में दुर्बल चालकता प्रदर्शित करता है कौन सा, तो यह आर्सेनिक गैस आर्सेनिक जो है करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति के पद और गोपनीयता की शपथ, तो शपथ मुख्य न्यायाधीश को भी, उपराष्ट्रपति को भी और प्रधानमंत्री को भी, ये जो है राष्ट्रपति देते हैं। यदि कोई ग्राम पंचायत विघटित होती है तो कितनी अवधि के भीतर चुनाव कराने किए जाते हैं, तो 6 माह के भीतर चुनाव किए जाते हैं। राज्यसभा हो ये जो है यानी कि विधानसभा हो या लोकसभा हो या फिर ग्राम पंचायत हो, 6 माह के अंदर जो है चुनाव किए जाते हैं। शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है राज्य सूची से संवर्ती सूची में जोड़ा गया, तो यह था 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में। और बात करें वर्तमान में राज्य सूची में 61 विषय हैं, संवर्ती सूची में 52 विषय हैं। अगले प्रश्नों को देखें।
बाल गंगाधर तिलक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अखबार शुरू किया गया? तो केसरी और मराठा। केसरी मराठी भाषा में और मराठा जो है ये अंग्रेजी भाषा में प्रारंभ किया गया था। ऐहोल प्रशस्ति का संबंध किस राजवंश से है? तो चालुक्य राजवंश जो है पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है ऐहोल प्रशस्ति। मौर्य वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया? तो मगध पर शासन करने वाले प्रमुख वंशों की बात करें तो यह हसीन मैसूकस। तो सबसे पहले आया था हर्यक वंश, फिर उसके बाद जो है शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश, उसके बाद आया था शुंग वंश, जो कि आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद कन्नौ वंश, फिर सातवाहन वंश। अगले प्रश्नों को देखें। हाल में समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया? समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल ये उत्तराखंड राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया। हाल ही में पीएम श्री योजना यानी कि पीएम श्री योजना के तहत देश के कितने स्कूलों को अपग्रेड करने की घोषणा की गई है? तो अपग्रेड किए जाएंगे 14,500 स्कूल को। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर मुस्ताफिकुर रहीम ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो यह है बांग्लादेश के क्रिकेटर। हाल में किस देश को पीछे छोड़कर भारत जो है दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है? तो ब्रिटेन को पीछे छोड़कर बना है। हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किस देश की सेना जनरल मानद पद दिया गया? तो ये जो मनोज पांडे को जो है नेपाल का भी जो है सेना जनरल मानक पद से सम्मानित किया गया। हाल ही में अवर ग्रेट नेशनल पार्क्स डॉक्यूमेंट्री में आवाज़ देने हेतु तो किस पूर्व अमेरिकन राष्ट्रपति को एमी अवार्ड? तो ये दिया गया था बराक ओबामा को। अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही में देश का पहला नाइट स्काई सेंक्चुअरी कहाँ बनाया गया? तो ये जो है लद्दाख में बनाया गया। अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही में प्रथम होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कहाँ पर की गई? तो इसकी मेज़बानी जो है दुबई ने किया था। हाल ही में संसद टीवी के सीईओ का प्रभार किसे दिया गया? बात करें लोकसभा और राज्यसभा टीवी, लोकसभा टीवी राज्यसभा टीवी को विलय करके संसद टीवी बनाया गया और इसके प्रथम सीईओ थे रवि कपूर। लेकिन इसके बाद जो है रवि कपूर के बाद जो है इसके सीईओ बनाए गए हैं उत्पल कुमार सिंह को, जो कि लोकसभा के महासचिव भी हैं और संसद टीवी के सीईओ का भी पदभार दिया गया उत्पल कुमार सिंह को। ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।